मार्केट खुलते ही दोस्तों पहले 2 घंटे में जितना बड़ा बड़ा कैंडल 5-5 मिनट में बना है, 440 वोल्ट करंट झटके से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई जब भी 440 वोल्ट का करंट एक फ्लो में मिलता है ना, यानी कि एक ट्रेंडिंग मोमेंटम रहता है दोस्तों, तो डेफिनेटली वो लेवल को कैच करके मैं देता हूँ। कल के दिन जैसे 10:04 पे लाइव मार्केट में बोला था 52,146 के नीचे हमें बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन बाय करना है, बजट डे था दोस्तों और स्पेशल लेवल जो मैंने दिया था, जैसे ही तोड़ा 780 पॉइंट का डाउनफॉल दिया है कल के दिन। तो जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए और कल के दिन मेरे भाई बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी में क्या हो सकता है देखने वाले हैं। आपके मन में यह अगर आता है कि भाई निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल डे है यार, कल के दिन उसका पहला प्रायोरिटी है कहां गया वीडियो, मेरे भाई मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस, इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि भाई आप ही कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, एक वीडियो छूट जाता है यार, तो प्लीज ये वीडियो खत्म होने के बाद पहला वीडियो देखिए, क्योंकि ये सेकंड वीडियो है। डेली आप सबके लिए एफर्ट डाल के मैं 2 वीडियो डालता ही डालता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और जो भी आपने कॉल पुट लिया है कमेंट कर दीजिए, और यार ये वीडियो का जो लाइक है मैं ना मैं कम रखूंगा आज के दिन, ओनली 100 लाइक दोस्तों, और मुझे अब यकीन है कि इजीली पूरा कर देंगे आप इजीली। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो सिंपल बात है, बैंक निफ्टी का प्लान नंबर ए, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट टू लिटिल गैप डाउन खोलता है इसी जोन पे ही, एंड देन अगर 51,530 ब्रेकआउट करता है और रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगता है, प्राइस एक्शन दिखता है तो कॉल के तरफ जा सकते हैं, एंड अबव 51,882 आपको बड़ा मोमेंट देखने को मिलेगा। मैंने आपको 2 लेवल अभी बताया, पहला लेवल है 51,530 और दूसरा लेवल है 51,882। तो पहला लेवल के पीछे पहला रीजन आप जान लीजिए, सबसे पहला रीजन है दोस्तों ट्रेंडलाइन। ट्रेंडलाइन को थोड़ा हम डीप कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी रेड कलर का जरा ट्रेंडलाइन को नोटिस कीजिए, जो मैंने एक रेजिस्टेंट ट्रेंडलाइन ड्रॉ किया, एक बार कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं ना कहीं टच किया, डाउनफॉल का मोमेंटम दिया, दूसरी बार अगर आप देखोगे टच किया, डाउनफॉल का मोमेंटम दिया, तीसरी बार भी इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, डाउनफॉल का मोमेंट दिया। तो यानी कि ये क्लियर हो गया दोस्तों कि ये एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है, और आपके सामने मैंने आपको दिखाया कि 3 बार डॉट टू डॉट यही ट्रेंड लाइन को टच किया है और मार्केट डाउनफॉल दिया है। तो कल के दिन सबसे पहला रीजन है बाय करने का, अगर फ्लैट टू लिटिल गैप डाउन खुला और उसके बाद अगर आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई ये ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है इसका एक साइन मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है 51,530 का जो लेवल है, एक प्रॉपर दोस्तों आज के दिन रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, यहां से एक बार फॉल हुआ, सेकंड टाइम भी गया था दोस्तों, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट से मिस हुआ, बट डॉट इसी के आसपास टच किया एंड देन अगेन फॉल हुआ और यहां पे आके कहीं ना कहीं रुका है। तो यहां से क्लियर आपको मिल जाता है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं लेवल है। सो 51,530 के ऊपर ट्रेंड लाइन टूटेगा और रेजिस्टेंस लाइन टूटेगा दोस्तों, जो लेवल टूटेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखोगे दोस्तों एक डब्लू पैटर्न टाइप का बन रहा है, यहां पे आप जरा देख लीजिए, नीचे आया फिर ऊपर फिर डाउन, प्रॉपर डब्लू पैटर्न, प्रॉपर दोस्तों कहीं ना कहीं एक डब्लू पैटर्न बन के तैयार हुआ है ब्रेकआउट। डब्लू पैटर्न का जो नेकलाइन है दोस्तों वो ब्रेकआउट कल के दिन कर सकता है, तो डेफिनेटली हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हो गया, अब चले जाते हैं प्लान नंबर बी पे मेरे भाई, और ये मैं पूरा ड्राइंग रिमूव भी कर लूंगा ना तो भी आपको समझा पाऊंगा। प्लान नंबर बी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं सोचता हूं कि यार पहले से ड्राइंग करके रखूं, इससे अच्छा आपके सामने में ड्रॉ करूं तो आप समझ पाएंगे कि कौन से डॉट को मैंने कहां कनेक्ट किया। एक छोटू सा ट्रेंड लाइन आप जरा ड्रॉ कर लीजिए, देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आज का जो बॉटम बना है ना कल के लिए वो सपोर्ट है, ये क्लियर बात है दोस्तों। बट अब जो मैं प्लान बी बता रहा हूं, अगर आपको सेफ खेलना है तो कल के दिन भाई गैप डाउन वगैरह खुला ये प्लान बी पे ही इंक्लूड कीजिए, और साइडवेज हुआ उसके बाद 50,788 आपको ब्रेकडाउन करता हुआ दिखा, बिल्कुल पुट के तरफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये एक सेफ प्लान रहेगा। क्योंकि 50,788 अगर आप देखोगे आज के दिन, मतलब कल के दिन से यहां तक फॉल हुआ, यहां पे बॉटम बन
ना कि अगर आप देखोगे दोस्तों मार्केट ऊपर गया है तो ये लास्ट लो है, हायर लो कह सकते हैं, और यहां से ट्रेंड साइन कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ मिला है, क्योंकि कंटिन्यूसली डाउनफॉल, यहां पे बॉटम बना और उसके बाद ऊपर गया, फिर जो डिप मारा, ये जो लो है दोस्तों इसके ऊपर ये लो बना है। आप देख रहे हैं क्लियरली एक ट्रेंड चेंज का कहीं ना कहीं साइन दिखा एंड देन ऊपर की तरफ गया है, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये लो लाइक कहीं ना कहीं हायर लो एंड देन हायर हाई और उसके बाद हायर लो, क्योंकि ये लो के ऊपर दोस्तों ये लो बना है, तो हायर लो एंड देन ऊपर, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ना, ऊपर ऊपर इसे हायर हाई बना के अब रेजिस्टेंस तक पहुंच गया ना, तो यहां से कैसे टर्न होता है मार्केट अगर नीचे आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है पहले इसे नीचे आता है फिर ऊपर एंड देन इस टाइप का आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखता है, ये सबको बताएं ओके, क्योंकि यहां पे देखोगे हायर हाई बनता हुआ मार्केट जा रहा होता है और हर एक हाई को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता हुआ मार्केट जा रहा होता है, तो यहां पे जो हाई बनता है दोस्तों नीचे आता है फिर जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, तो यहाँ पे एक साइन मिलता है ट्रेंड चेंज बोल के, तो कहीं ना कहीं ये हायर लाइक कहीं ना कहीं लाइक लोअर हाई एंड लोअर लो एंड देन लोअर हाई बनता है, यानी कि इस हाई के नीचे ये हाई बनता है एंड देन ब्रेक डाउन करता है, तो ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक वैसे ही दोस्तों अगर मार्केट नीचे कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर लो लोअर हाई से बना के आ रहा है, यहां से ऊपर उठता है तो यहां से लास्ट लो बनता है और ये लो को कभी तोड़ नहीं पाता, आज के दिन जैसे हुआ और एक डिप मारा और ये लो के ऊपर ये लो रहा और यहां से ऊपर ऐसे जा रहा है ना, तो यहां पे एक ट्रेंड चेंज की दोस्तों निशानी है। और वहीं आज के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्लियरली देखने को मिला कि कंटिन्यूसली दोस्तों अगर आप देखोगे डाउनफॉल, लो लास्ट लो मारा एंड देन अप एंड देन लो फिर ऊपर, तो ये लो के ऊपर ये लो मारा और जो मैंने कहा दोस्तों कि प्रॉपर कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न बना है ना, तो ये जो लो आज के दिन बना है, मैंने अभी आपको लेवल दिया कि 50,788 के नीचे हमें सेल करना है, तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों इसके नीचे जाता है तो पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ये तो आपको मैंने समझा दिया दोस्तों प्राइस एक्शन का थोड़ा सा, तो प्लान बी दोस्तों रिस्की रहेगा कल के दिन अगर आपको सेल करना है ना, दो डॉट को आप जरा कनेक्ट कर लीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, एक बार इसी ट्रेंड लाइन को टच किया ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, दूसरी बार अगर आप देखोगे डॉट इसी ट्रेंड लाइन को टच किया अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, तो कल के दिन फ्लैट टू लिटिल गैप डाउन खुल के अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर देता है और यहां से आपको अगर लोअर लो इस टाइप का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो पुट के तरफ जा सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बात को समझिए, एक ट्रेंड लाइन सिंपल ड्रॉ कर लेंगे, दो बार कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर गया है, कल के दिन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके ऊपर भी जा सकता है, या फिर अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ा और ट्रेंड लाइन अगर मैं बना रहा हूं तो इसका कोई प्रॉपर लेवल नहीं रहता, लाइक तोड़ा तो 51,249 कुछ भी दोस्तों, आपको बस क्या करना है, सिंपली आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करके रख लेना है, बात खत्म। अगर कल के दिन ट्रेंड लाइन चाहे ऊपर ऐसे ऐसे करके यहां पे टूटे यहां पे टूटे यहां पे टूटे और तोड़ के दोस्तों कहीं ना कहीं लोअर लो प्राइस सेक्शन बना तो पुट के तरफ कहीं ना कहीं जा सकते हैं। प्लान नंबर बी क्लियर है। प्लान नंबर सी दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूं, अगर कल के दिन बहुत बड़ा गैप अप खुला तो सेल के तरफ जाएंगे और बहुत बड़ा गैप डाउन खुला तो बाइंग के तरफ जाएंगे। प्लान सी में दोनों का दोनों मैंने ओवर कर लिया और रीजन भी बता देता हूं। देखिए जो भी आखिरी टाइम पे बाय करके गए हैं, कल अगर गैप अप खुला, रेजिस्टेंस यहां पे है, रेजिस्टेंस यहां पे है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भरा पड़ा है ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस, तो कल के दिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो जितने भी लोग कॉल बाय करके गए हैं सबसे पहले तो रेजिस्टेंस देखते ही अपना बाय पोजीशन कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे, तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। और दूसरी बात ये कि जितना रेजिस्टेंस न्यू बना है उतना ही न्यू सेलर आ चुके हैं दोस्तों और हर एक लेवल पे खड़े हैं, तो कल गैप अप खुला तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। सो गैप अप अगर खुलता है तो पहला जो 5 मिनट कैंडल बनेगा उसी का आपको लो मार करना है एंड देन उसी का लो टूटा तो कहीं ना कहीं पुट के तरफ जा सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप खुला और उसके बाद अगर लोअर लो प्राइस एक्शन दिखा तो पुट के तरफ जाइए, अगर बड़ा गैप अप खुल के साइडवेज होके ब्रेकडाउन करता हुआ रेंज तो भी पुट के तरफ जाइए, फिर एम पैटर्न देखते हैं पुट के तरफ जा सकते हैं। और जो मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिया कि भाई कल अगर गैप डाउन खुल गया तो क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है
बाइंग करना है दोस्तों, उसके अलावा कोई प्लान है ही नहीं, क्योंकि गैप डाउन अगर खुला तो यहाँ पे बॉटम बन चुका है, अब तो अच्छा खासा सपोर्ट है, तो गैप डाउन खुला तो डब्लू पैटर्न बनते ही बाय, हायर हाई बनते ही बाय, या फिर पहला जो भी 5 मिनट कैंडल बनेगा उसका अगर कहीं ना कहीं हाई टूटा तो कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब चले जाते हैं ऑप्शन चेन पे। 51,429 के आसपास दोस्तों क्लोज दिया है बैंक निफ्टी, अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, कॉल राइटर पुट राइटर 51,400 के आसपास दोस्तों क्लोज दिया है 51,500, और बाय द वे ये आज का ऑप्शन चेन नहीं है, आज का एक्सपायरी था तो ओवर हो गया, तो अगले हफ्ते का मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 51,500 पे 8,15,000 से ज्यादा कॉल राइटर, दैट्स इट। उसके ऊपर अगर आप देखोगे 51,600, 51,700 पे 1,42,000, 1,66,000 कॉल राइटर हैं, तो इतना कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं है। 51,500 का जो लेवल है दोस्तों वो एक राउंड लेवल है, और वहां पे 8,15,310 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, सो अबव 51,500 हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर मैं बात करूं नीचे का, तो यहां पे भी कुछ खास पुट राइटिंग नहीं है, क्योंकि अभी-अभी ऑप्शन चेन बना है दोस्तों, वो भी अगले हफ्ते का, तो 51,300 पे 2,00,000, उसके नीचे 2,00,000, तो कुछ खास पुट राइटिंग नहीं है। सो जो मैंने आपको प्लान बताया ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन अगर टूट के लोअर लो बनता है तो हम पुट के तरफ जा सकते हैं। अब चले जाते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी, ठीक ठाक आज के दिन परफॉर्म किया, कल के दिन फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुला, प्लान नंबर ए में बता रहा हूं, एंड देन 12,495 अगर ब्रेकआउट करके प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखा तो हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, 12,495 12,495 का अगर आप देखोगे लेवल, एक बार टच किया डाउनफॉल का मोमेंटम, दूसरी बार टच किया डाउनफॉल का मोमेंटम, तीसरी बार टच किया डाउनफॉल का मोमेंटम, ये रेजिस्टेंस दोस्तों मल्टीपल टाइम कहीं ना कहीं टेस्ट हुआ है, तो कल के दिन अगर ब्रेकआउट देता है तो बड़ा मूव भी आ सकता है। सो अबव 12,495 हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्लान बी का, कल के दिन फ्लैट टू लिटिल गैप डाउन खुला, एंड देन साइडवेज होके बिलो 12,440 अगर आपको ब्रेकडाउन करता हुआ दिखा तो पुट के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे 12,440 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस था। यहां पे देखेंगे दोस्तों, यहां से इतना बड़ा डाउनफॉल, सेकंड टाइम टच किया अगेन डाउनफॉल, और आज के दिन क्या हुआ, फाइनली दोस्तों ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होके अगर आप देखोगे दोस्तों रिटेस्ट भी किया, यानी कि सपोर्ट लिया, कंफर्मेशन दिया, हां भाई सपोर्ट बन चुका है ये लेवल, एंड देन अपसाइड का मोमेंटम किया, तो कल के दिन अगर ये सपोर्ट लेवल 12,440 ब्रेकडाउन करता हुआ दिखा तो पुट के तरफ जाएंगे। बाकी सेम है प्लान सी पे दोस्तों, सेम है, गैप अप खुला तो सेल, गैप डाउन खुला तो बाय, और रीजन दोस्तों जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में कहा वो सेम ही है। अगर मैं बात करूं फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी भी दोस्तों बैंक निफ्टी के जैसा ही डब्लू पैटर्न बना है, तो कल के दिन प्लान नंबर ए अगर फिन निफ्टी इसी जोन पे ओपन हुआ एंड देन 23,249 अबव ट्रैवल करता हुआ दिखा तो कॉल खरीदेंगे। सबसे पहला कंफर्मेशन मिल चुका है ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन यहां पे टूट चुका है, जबकि बैंक निफ्टी में नहीं तोड़ा था वो ट्रेंड लाइन, बट यहां पे देखोगे दोस्तों एक बार कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन टच किया डाउनफॉल का मोमेंटम, दूसरी बार ट्रेंड लाइन टच किया डाउनफॉल का मोमेंटम, तीसरी बार ट्रेंड लाइन टच किया डाउनफॉल का मोमेंटम, और आज के दिन अगर आप देखोगे आखिरी मोमेंट पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता हुआ दिखा, यानी कि ट्रेंड चेंज का थोड़ा सा तो साइन मिला, उसके बाद अगर 23,249 अगर हम देखेंगे प्रॉपर दोस्तों एक रेजिस्टेंस है, तो इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो बाइंग की तरफ देखेंगे, और सेलिंग अगर करना है तो 22,969 बिलो जाके हम पुट की तरफ जा सकते हैं। बाकी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है फिन निफ्टी में, बाकी सेम है, गैप अप खुला तो सेल, गैप डाउन खुला तो बाय, सब कुछ सेम है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।